वी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड को एक लड़की की बॉडी टंगी हुई मिली है। वह फिर दिखाया जाता है कि इसी टाइप के अलग अलग एज ग्रुप में 4 मर्डर हो चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है यंग जू, इसे गेमिंग पार्लर में देखते हैं। वहाँ उसकी लैंडलॉर्ड आई तो जल्दी से वहां से वो भाग गया क्योंकि बहुत दिनों से उसने कुछ भी रेंट पे नहीं किया था। यंग जू एक राइटर है, एक वीडियो गेम की कंपनी को वो अपनी स्क्रिप्ट की आइडिया सेल करना चाहता था पर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। वो कहते हैं तुमने जो भी लिखा है वो इतना रियल नहीं है, इतना ज्यादा वायलेंस नहीं चलता। यंग जू कहता है कि आपको इससे रियल नहीं मिलेगा। गेमिंग वालों ने उसे कहा तुम्हें क्या पता, क्या तुमने किसी आदमी को मारा है? यहाँ पर यंग जू के चेहरे पर अम्यूजमेंट थी। नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस की मीटिंग दिखाई जाती है। यहाँ हमारा और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है जेशिन। जो भी सिटी में मर्डर हो रहे हैं इस केस का इंचार्ज जेशिन ही है। उसके बॉस उसे इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछते हैं पर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई थी, उसे बहुत डांटा जाता है। यंग जू पुलिस स्टेशन में आया था, वहां से हमें पता चलता है यंग जू और जेशिन ये एक दूसरे के फ्रेंड्स है। जेशिन यंग जू से कहता है ज्यादा ड्रिंक मत किया करो, इससे तुम्हारी राइटिंग में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। जेशिन को अभी अभी प्रमोशन मिला था तो यंग जू उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यंग जू मर्डर की जगह पर आया हुआ था, वहां पर डेड बॉडी को इमेजिन कर रहा था। इसके बाद फूड स्टॉल पर खाना खाते हुए यंग जू एक लड़के से मिलता है जिसका नाम है योई। ये दोनों मर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। यंग जू कहता है किलर यही कहीं रहता होगा। यंग जू जब घर पर आया तो उसके लैंडलॉर्ड ने उसके घर को लॉक कर दिया था। वो पेफोन से उसे कॉल लगाता है, कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे आप बात कर सकती थी। वो हमेशा लैंडलॉर्ड को इग्नोर करता रहता था तो ये सही नहीं था। वो फिर फुटपाथ के पास बैठकर ही ड्रिंक करता है। कुछ बाइकर रास्ते से गुजर रहे थे तो उनमें से एक ने उस पर धुआं डाल दिया, ये सब उसके फेस पर आया था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, उसने देखा कि रास्ते के साइड पर एक गाड़ी रुकी हुई है। गाड़ी में एक कपल मेकआउट कर रहे थे। इन कपल में से आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है, वो रस्ते की साइड पर टॉयलेट कर रहा था तभी यंग जू उसके पास आया और उसे मार डाला। कपल में से लड़की बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। यंग जू फिर इन दोनों को उठाकर एक टॉयलेट में लेकर आया। बॉयफ्रेंड मर चुका था और गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। यंग जू से कहता है तुम्हें क्या टैलेंट है? वो डर कर ही कहती है कि मैं गाना गा सकती हूँ। यंग जू कहता है कि मुझे गाकर सुनाओ, अगर तुमने अच्छे से गाया तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। वो गाना गा रही थी तभी पीछे जाकर यंग जू ने उसका गला काट दिया। ये सीन खत्म होने के बाद हमें पता चलता है ये सब यंग जू की इमेजिनेशन थी। वो राइटर है, रास्ते के सामने गाड़ी आई तो उसने ये सब इमेजिन किया था। रात उसने बाहर ही बिताई और अगले दिन वो लैंडलॉर्ड के पास पहुंचा। वो उससे कहता है कि आपको रेंट चाहिए, मेरे पास हार्ड डिस्क है जो मैं सेल कर आपको रेंट दे सकता हूँ। ये लैंडलॉर्ड भी मान गए और उसके साथ उसके रूम तक आई। वो आसपास देखती है तो कहती है तुमने कितना घटिया घर रखा है। वो बहुत कुछ कंप्लेंट कर रही थी। यंग जू ने देखा कि उसकी फैमिली फोटो टूट चुकी है, इस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसे पूछता है ये कैसे हुआ। लैंडलॉर्ड कहती है कि चाबी बदलने के लिए जो आदमी आया था शायद उसने तोड़ा होगा। यंग जू उससे ऊंची आवाज में बात कर रहा था तो कहती है कि क्या तुम्हें तमीज नहीं है। यंग जू को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने उसे मार डाला। इस बार का मर्डर एक रियल मर्डर था। उस पर शक ना आए तो लैंडलेडी के ही पैसे लेकर उसने एक एनवेलप में डाले, अपना नाम उस पर लिखा, यानी कि पुलिस को लगेगा यंग जू ने सही से रेंट पे किया था, उस पर शक नहीं आएगा। सिटी में बहुत सारे मर्डर हो ही रहे थे, हर मर्डर के बाद बॉडी को हैंग कर दिया जाता था। उसी टाइप से यंग जू अपने लैंडलेडी की बॉडी भी हैंग कर आता है। अब सबको लगेगा कि मर्डर भी सीरियल किलर ने ही किया हुआ है। अगले दिन पुलिस को बॉडी भी मिल गई। टूटी हुई फ्रेम बाय करने के लिए यंग जू योई के पास आता है। योई ये फ्रेम ढूंढते हुए यंग जू को अपने मोबाइल से मैसेज करता है, कहता है मुझे पता है कि तुमने ही मर्डर किया है। इस मैसेज के बाद उसने कोड भी डाला हुआ था, इसका मतलब क्या था यह हमें आगे पता चलेगा। यंग जू इस मैसेज से सरप्राइज था, फ्रेम लेकर यहाँ से वो चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि योई घर पर आया, उसने अपने लिए जो फूड बनाया था वो उसके डॉग ने खा लिया। गुस्सा होकर वो डॉग को मार डालता है। लैंड लेडी की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जेसिन यंग जू की बिल्डिंग में ही था, उसके पास आया और अब ये दोनों हैंग आउट कर रहे हैं। जेशिन कहता है किलर का चाइल्डहुड शायद घटिया होगा, इसी वजह से ये सब चीजें कर रहा है। यंग जू कहता है कि अगर तुम्हें उसे पकड़ना है तुम्हें उसकी तरह सोचना होगा। उसे फिर एक स्टोरी वो बताता है। वो कहता है एक फ्यूनरल पर दो सिस्टर्स थे, वहां पर एक आदमी आया जो बड़ी सिस्टर को पसंद आ गया।
देखते ही उसे प्यार हो गया था। रात में इसी बड़ी सिस्टर को सपना आता है कि अपनी सिस्टर को उसने मार डाला है। अब यंग जो जेसिन से पूछता है कि सपना उसे क्यों आया। जेसिन कहता है कि शायद वो जेलस होगी, शायद वो नहीं चाहते थे कि वो आदमी उसकी सिस्टर को पसंद करे। यंग जो कहता है तुम गलत हो, बड़ी सिस्टर उस आदमी से फ्यूनरल पर मिली थी। अगर वो अपनी सिस्टर को मार डालेगी तो फिर से फ्यूनरल होगा और उससे मिल पाएगी। तुम्हें इस तरह से सोचना चाहिए। जेसिन को शक है कि जो मर्डर अभी अभी हुआ है वो एक कॉपीकैट किलर का काम है, यानी कि रियल किलर ने काम नहीं किया था। अगले दिन जेसिन अपने सीनियर से बात कर रहा था। उसके सीनियर कहते हैं बहुत सालों पहले एक ऐसा ही मर्डर हुआ था। जेसिन को लगता है कि शायद उसका कुछ कनेक्शन हो सकता है, तो जल्दी से इस केस के सब फाइल्स वगैरह निकालता है। जेसिन जब इन्वेस्टिगेशन की सब फाइल्स लेकर जा रहा था तो पुलिस स्टेशन में योई से टकराता है। योई एक रिपोर्टर होने का ढोंग कर रहा था। इसके बाद योई जेसिन के डेस्क पर जाकर कुछ डॉल्स रख कर आता है। जिस तरह से पुलिस को बॉडीज टाई की हुई मिलती है कि डॉल्स भी वैसे की है, इसका मतलब है योई हमारा रियल किलर है। जेसिन यंगजू के घर पर आया हुआ था। यंगजू कहीं बाहर था। उसका पीसी ऑन करता है। उसने उसकी बुक देखी तो इसमें जो भी मर्डर सिटी में हो रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अब जेसिन को यंगजू पर स्ट्रॉन्ग शक जाता है। जब यंगजू घर पर आया तो जल्दी से जेसिन वहां से चला गया। जेसिन पुलिस स्टेशन में आने के बाद योगी ने उसके लिए जो डॉल्स रखी थी इन्हें नोटिस करता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। सबसे पूछता है यहाँ कौन आया था। यहाँ तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए एक जर्नलिस्ट आया हुआ था। जेसिन जब योगी से टकराया था तब उसने उसका फेस देखा है तो उसे मालूम है वो कैसे दिखता है। जेसिन कहता है कि उसका आई कार्ड दिखाओ। इस आई कार्ड पर एक दूसरे रिपोर्टर का नाम है जो वैकेशन पर गया हुआ है। इस कार्ड पर फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए बोलता है। योई ने ऑलरेडी फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए थे। लैंडलेडी की केस में एक विटनेस थी, वो कहती है कि जब उसका मर्डर हुआ उसके एक दिन पहले वो किसी के साथ झगड़ा कर रही थी। ये झगड़ा रेंट को लेकर था। जेसिन का यंगजू पर शक और भी स्ट्रांग हो गया। पुलिस ने योई का स्केच बनाया हुआ था, वह जगह पर लगा था तो यही उसके सामने खड़ा होता है। वो एक आदमी से पूछता है क्या ये मेरे जैसे दिखता है। वो आदमी इस पर हंसकर चला जाता है। योई को मजा आता है कि उसने इस आदमी को फूल बनाया। इसके बाद हमें उसके बचपन का सीन दिखता है। योई बहुत ही छोटा था तो उसकी मदर उसे क्लोजेट में बंद कर देती थी, नीचे जाकर एक आदमी के साथ इंटीमेट होती थी। ये सब आवाजें सुनना योई को पसंद नहीं था। जेसिन जो अब करंट मर्डर होते हैं उसे टाइप के एक पुराने मर्डर को भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जिस लेडी का मर्डर हुआ था बहुत सारे बिजनेस चलाती थी। इसमें उसकी बिल्डिंग्स थी, उसका फर्नीचर का बिजनेस था। जो लोग उसे मनी पे नहीं कर पाते थे उन्हें वो बर्बाद कर देती थी। पुलिस को लगा था कि उनमें से किसी ने उसे मार डाला, इसी वजह से केस बंद हो चुका था। फर्नीचर के बिजनेस की बात हुई तो जेसिन को अपनी बचपन की एक बात याद आई। वो बचपन में यंगजू के साथ हाई स्कूल में था। एक दिन उसके घर पर डिनर कर रहा था तभी यंगजू के फादर वहां आए। उन्होंने जेसिन को घर से बाहर निकाल दिया था। उनका फर्नीचर का बिजनेस था और उन्हें मनी प्रॉब्लम थी। एक दिन स्कूल में फाइट होने की वजह से जेसिन बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुका था। वो यंगजू के घर पर आया था। यंगजू के फादर ने देखा तो जेसिन को मारने लग गए। जेसिन ने भी फाइट बैक किया तो घर में आग लग गई। इसी आग में यंगजू के फादर और मदर ये दोनों मर गए थे। इस आग लगने का ब्लेम फर्नीचर बिजनेस को जो ओन करती थी इसी पर लगा दिया गया था। जेसिन को पता चला है कि उसी ओनर का मर्डर हुआ था। उसे यंगजू पर शक है तो उसके घर में आया। बाथरूम में जाकर उसने इन्वेस्टिगेशन की तो उसे वहां ब्लड के स्टेन्स मिले। उसे शॉक लगा कि यंगजू सच में एक किलर है। इसके बाद हमें यंगजू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि जेसिन ने जो आग लगाई थी उसमें उसके मदर एंड फादर मर गए, पर यह सब ब्लेम फर्नीचर के बिजनेस को ओन करने वाली लेडी पर आया था। यंगजू ने बदला लेने के लिए उस लेडी को मार डाला। यही योई की मदर थी। अब इस सिचुएशन को मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यंगजू के फादर बहुत ही अब्यूसिव थे। जेसिन और यंगजू के फादर का झगड़ा हो गया। एक्सीडेंटली जेसिन से आग लग गई। इस आग में यंगजू के मदर और फादर मर गए। इस पूरे इंसिडेंट का ब्लेम फर्नीचर बिजनेस ओन करने वाली लेडी पर आया। ये जो लेडी थी यही योई की मदर थी। यंगजू को बदला लेना था तो उस लेडी को उसने मार डाला। रात में जेसिन यंगजू के पास पहुंचता है, कहता है तुम्हें मुझे कुछ बताना चाहिए। ड्रिंक करते करते उसे एक जगह पर वो लेकर आया। जेसिन यंगजू को बहुत मारता है, पूछता है तुमने किया क्यों। यंगजू को मारते मारते जेसिन को एक कॉल आया, सिटी में दो पुलिस ऑफिसर्स का मर्डर हो चुका है। ये मर्डर योई ने किया था। जेसिन ने फिगर आउट कर लिया कि यंगजू रियल किलर नहीं है
पर अपनी लैंडलेडी को उसने मारा हुआ था। यंग जो जेसिन से कहता है मुझे अरेस्ट कर लो, जेसिन कहता है कि सजा अब रियल सीरियल किलर को ही होगी। यंग जो उसका फ्रेंड है तो उसने उसे छोड़ दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योई ने यंग जो को कॉल किया था, वो उसे काउंसिल की मीटिंग में बुलाता है। यंग जो को पता है कि मैसेज उसे सीरियल किलर ने किया था, ये सीरियल किलर का मैसेज उसने जेसिन को भी दिखाया हुआ है। काउंसिल की मीटिंग में डिस्कशन चल रहा था कि सीरियल किलर से बचने के लिए सब लोग पूरी सिटी में पेट्रोल करेंगे। ये मीटिंग खत्म होने के बाद यंग जो योई का पीछा करता है, उसे शक है कि वही एक सीरियल किलर है। योई के शॉप के ऊपर कुछ डिजिट्स लगाए हुए हैं, यह वही डिजिट्स है जो सीरियल किलर के मैसेज में थे। जेसिन सब विक्टिम्स का बैकग्राउंड चेक करता है। विक्टिम जिस स्कूल में थी यही पर योई भी था। जेसिन ने फिर योई की वेबसाइट देखी और उसे पता चल गया कि वही सीरियल किलर है। नेक्स्ट सीन जब हम देखते हैं तो योई एक टीनेजर था, उसे एक लड़की बहुत ही पसंद आती थी जिसका नाम था सोयुन। सोयुन का भी मर्डर हो चुका है। योई ने सोयुन को एक फोन दिया था पर वो उसका फोन कभी भी उठाती नहीं थी। योई उसके घर पर पहुंचा तो उसे दरवाजे पर ही रखती है। योई कहता है कि मुझे एटलीस्ट घर में बुलाओ, बाहर ठंड है, मैं कॉफी पी सकता हूँ। सोयुन के साथ उसका बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था मैसोंग। मैसोंग और सोयुन ने योई का मजाक उड़ाया और वो अंदर चले गए। इस बात को बहुत सारे साल गुजर चुके हैं। अब योई ने सोयुन को मार डाला है और वो मैसोंग के पास पहुंचता है। उससे पूछता है क्या तुम हमारे क्लासमेट्स के कॉन्टेक्ट में हो। मैसोंग कहता है कि सोयुन मेरी गर्लफ्रेंड थी, हम इंटीमेट होते थे तो अजीब अजीब वो आवाजें निकालती थी। योई इस पर उसे कहता है कि अब वो मेरी है। मैंग को बहुत ही एम्बेरस लगा, वो कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। योई ने एक चाकू लेकर मैंग को मार डाला। उसके कान में कहता है तुम बहुत ही अजीब अजीब आवाज निकालते हो। योई को सोयुन ने धोखा दिया था, इसी वजह से उसने उसे मारा था। जो दूसरे मर्डर उसने किए थे वो उन्हीं लड़कियों के थे जो सोयुन की तरह दिखती थी। अब जब जो जेसिन को पता है कि योई मर्डरर है तो उसके घर पर वो पहुंच जाता है। सब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तभी योई ने उसे बेहोश कर दिया। उसने फिर यंगजू को कॉल लगाया, कहा तुम्हारा फ्रेंड मेरे पास है, आकर उसे लेकर जाओ। यंगजू घबरा कर जल्दी से वहां पहुंचता है। योई के घर में उसने ब्लड नोटिस किया। घर से बाहर आने के बाद योई कार में था। ये कार वो स्टार्ट करता है पर यंगजू उसका पीछा करता रहता है। वो उसका पीछा करते करते प्लेग्राउंड तक आया। प्लेग्राउंड में जेसिन को लटकाया हुआ है, वो भी जिंदा है। एक जगह पर बैठकर योई उस पर गन लगाता है। इस टाउन में मैं सिर्फ तुम्हारी ही वजह से आया हुआ था। यंगजू जल्दी से जाकर जेसिन को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था पर योई ने जेसिन को गोली मार दी। वो फिर यंगजू के पास आया, उसे वो टीचर बुलाता है। कहता है कभी कभी मैं तुम्हारे लिए थैंकफुल होता हूँ, कभी कभी लगता है तुमसे बदला लिया जाए। योई ने अपनी गन यंगजू को दे दी। वो चिल्लाया कि मुझे मार डालो। वो उसे मार नहीं सकता था पर योई ने खुद ट्रिगर दबा दिया। अब योई यंगजू को थैंकफुल क्यों था, उसने उसे टीचर क्यों बुलाया, इसका रीजन हमें पता चलेगा। योई के मदर के गुजर जाने के बाद उसे स्कूल में लड़के बुली करते थे, उन लड़कों से यंगजू ने उसे बचाया था। यंगजू और योई ये दोनों फिर एक ही स्कूल में थे। यंगजू हमेशा उसका ख्याल रखता था इसीलिए योई उसे टीचर बुलाता है। योई को पता था कि यंगजू ने उसकी मदर को मारा है क्योंकि जब मर्डर हो रहा था तो योई क्लोजेट में ही था, उसने उसे देखा था और इतने सारे साल उसे बदला लेना चाहता था। लास्ट में उसने यंगजू के हाथ में गन रखकर ही अपने आप को मारा है, यानी कि सब मर्डर का इल्जाम अब यंगजू पर आएगा। फाइनली उसने अपना बदला ले ही लिया। इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।